नया महीना स्टार्ट हो गया हो, ग्रोसरीज ऑलमोस्ट ख़त्म हो गई है और अभी जाना है मुझे ग्रोसरीज की शॉपिंग करने। फ्रिज ऑलमोस्ट खाली हो गया है, फ्रिज में कुछ नहीं है और सब्जियां लानी है, दाल चावल सब लाना है। तो आज मैं जा रही हूँ ग्रोसरीज शॉपिंग के लिए और आज आपको बताऊँगी कि मैं महीने का कितना खर्चा करती हूँ बेंगलोर में रह के फैमिली ऑफ थ्री। तो चलिए, आप चलना चाहेंगे मेरे साथ? सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है महज जबीन और आप हैं महज जबीन की छोटी सी दुनिया पे। और आज हम जा रहे हैं ग्रोसरीज की शॉपिंग के लिए, जैसा मैंने पहले आपको बताया। जनरली मैंने ग्रोसरी शॉपिंग की जो जगह होती है वो नॉर्मली होती है तो रिलायंस स्मार्ट या तो फिर डी मार्ट या तो फिर ये क्या बोलते हैं, स्पार हाइपर मार्केट। आज मैं जा रही हूँ रिलायंस स्मार्ट जियो में और वहाँ पर एक्चुअली बहुत सारी ऑफर्स होती है तो वहाँ पर मुझे थोड़ी सस्ती पड़ जाती है अपनी ग्रोसरी। तो आज हम वहाँ जाते हैं और देखते हैं आज हम अपनी महीने की ग्रोसरी कितने में लेके आते हैं और बेंगलोर में मुझे कितना खर्चा होता है हम तीन की फैमिली के लिए। सो बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स गो और फटाफट मिलती हूँ आपसे स्मार्ट में। तो ग्रोसरी शॉपिंग के लिए मैं निकल पड़ी। मम्मी और इनाया आके वेट करते हैं हमेशा, क्योंकि मेरे घर के बाहर का रास्ता थोड़ा सा खराब है तो मम्मी को डर लगता है यहाँ बैठने से। जहाँ हम अभी जा रहे हैं वो है बेंगलोर का फिनिक्स मॉल, वहाँ पे रिलायंस का स्मार्ट बाजार है। एक और स्मार्ट बाजार भी है जो कुछ 5 किलोमीटर के अराउंड है मेरे घर से, लेकिन फिनिक्स मॉल में घूमने का थोड़ा मजा आता है तो हम वही जाना प्रेफर करते हैं। तो हम मॉल आ गए हैं। थोड़ा तो पहले मॉल में एंट्री के बाद रिचुअल है कि थोड़ा सा घूमा जाए और एक्स्ट्रा शॉपिंग की जाए। तो पहले हम गए इनाया के शूज लेने और उसके शूज लिए और फिर थोड़ी बहुत मैंने भी अपनी शॉपिंग कर ली और हम फाइनली आ गए स्मार्ट बाजार। वैसे अभी ये कन्वीनियंट हो गया है कि ग्रोसरी हम घर पे ही मंगा सकते हैं। मोस्टली मैं भी यही करती हूँ, पर कुछ चीजें हमें बाहर निकले तो ऑफर्स में सस्ते प्राइस पे मिल जाती है और वही चीज अगर घर बैठे बैठे मंगाए तो बहुत ही एक्सपेंसिव बन जाती है। तो आई प्रेफर कि महीने का कुछ सामान खुद जाके लेके आओ इंस्टेड ऑफ ऑर्डरिंग। वेल, हमने अपनी शॉपिंग स्टार्ट कर दी है एंड जैसे हर अच्छी चीज की शुरुआत मीठे से होती है, हमारी शॉपिंग की शुरुआत भी मीठे से ही यूजुअली होती है। यहाँ पे एंट्रेंस में ही चॉकलेट्स का डिपार्टमेंट है तो अंदर आते ही मेरी और इनाया की दोनों की आंखें और हाथ सबसे पहले यहाँ चले जाते हैं। तो चॉकलेट्स ले लिया अभी। नेक्स्ट ये हमने लिए डायपर्स। इनाया को अभी भी रात को डायपर्स की जरूरत पड़ जाती है तो एक पैकेट ये भी लिया। जब मेरी शॉपिंग खत्म हो जाएगी तब मैं आपको रिसिप्ट के साथ बताऊंगी कि टोटल मेरा खर्चा कितना हुआ, जिससे आप अंदाजा लगा पाए कि बेंगलोर में ग्रोसरी शॉपिंग कितने में हो जाती है। वैसे ग्रोसरी टोटली डिपेंड करती है आपके घर में मेंबर्स कितने हैं और उनकी खाने पीने की प्रेफरेंसेस क्या है उसके ऊपर। मेरे घर में अभी हम तीन लोग हैं, मैं, मेरी मम्मी और इनाया। तो मुझे इनाया की चॉइस को ज्यादा ध्यान में रखना पड़ता है और चॉइस में तो ये टूथपेस्ट भी आ जाती है। इनाया ब्लू कलर की टूथपेस्ट ज्यादा प्रेफर करती है तो भाई ये उसके लिए और हम भी उसमें एडजस्ट कर लेते हैं। और फिर हमने ये उठाया हैंड वॉश, ये हमें बहुत ही ज्यादा चाहिए होता है। हम तीनों को ही बहुत ज्यादा आदत है बार बार हाथ धोने की, अच्छी आदत है ना। और इसको देखो, हम अपनी शॉपिंग में बिजी है और ये तो मैडम अपनी ही धुन में बिजी है। आगे चले तो पर्सनल केयर की चीज़ों में बहुत सारी ऑफर्स चल रही थी, पर मोस्टली अभी चीज़ों की ज़रूरत नहीं थी जैसे कि सोप, ऑयल एट्सेट्रा। लेकिन फिर मेरा ध्यान गया फ्रेग्रेंसेस पे और मुझे ये छोटू सा बॉडी स्प्लैश बहुत ही अच्छा लगा तो वो ले लिया। और फिर थोड़ी बहुत चीज़ें ली कपड़े और बर्तन से रिलेटेड और फिर आ गए हम किचन पेंट्री के डिपार्टमेंट में। अभी बिस्किट्स घर में बहुत ही ज़्यादा पड़े हुए तो हमारी इनाया मैडम ने बोला नो टू न्यू बिस्किट। चाय पत्ती ऑलमोस्ट घर में ख़त्म हो गई है तो चाय ले ली। नॉर्मली हम लोग वाघ बकरी टी ही प्रिफर करते हैं पर इस बार सोचा चलो कुछ और ट्राई करते हैं तो इस बार अलग चाय पत्ती ली। आई होप कि वो अच्छी हो।
यहाँ आने की अच्छी बात यह है कि हम लोग जब भी आते हैं 365 दिन में से कभी भी, मोस्टली यहाँ पे अवेलेबल हर आइटम पे छोटा मोटा डिस्काउंट तो मिल ही जाता है। और डिस्काउंट का फायदा उठाते हुए देखो इनाया ने अपने लिए क्या क्या लिया। मेरा ब्रश ब्रश है। चीज बटर मेरी डे टू डे लाइफ का पार्ट है क्योंकि मुझे सैंडविचेस एंड ऑल बहुत ज्यादा पसंद है, तो चीज के बिना मेरा काम नहीं चल पाता। तो मैंने बटर तो नहीं लिया क्योंकि अभी ही लिया था तो वो अभी घर में अवेलेबल है, लेकिन चीज लिया। और ये सब डेयरी आइटम्स पे भी आप देखिए कि कितना सारा डिस्काउंट मिल रहा है। इधर ड्राई फ्रूट्स पे भी बहुत अच्छी ऑफर्स थी। और कुछ नहीं, पर मुझे बादाम चाहिए थे क्योंकि वो भी हम रेगुलरली कुछ ना कुछ बनाने में यूज़ करते हैं और साथ में उसको खाते भी है, तो ये सस्ती डील थी तो ले ली। फाइनली बारी थी सब्जियाँ, फ्रूट्स एंड मसालों की। वो तो भाई कम्प्लीटली मैं मम्मी पे ही छोड़ देती हूँ, मुझे उसमें थोड़ा कम समझ में आता है, तो सब्जी डिपार्टमेंट उसका, मसालों का डिपार्टमेंट और फ्रूट्स का डिपार्टमेंट सब उसका, बाकी सब भी वही संभालती है। बट मैं चीज़ें चूज करवाती रहती हूँ दूसरी सारी चीज़ों में, लेकिन यहाँ मुझे कुछ भी नहीं आता। वैसे वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स हम यहाँ से ज़्यादा लेते नहीं है क्योंकि वैसे भी वो ख़राब हो जाते हैं अगर ज़्यादा बल्क में ले तो वो हम मंगवा लेते हैं या फिर मम्मी पास के शॉप से लेके आ जाती है। प्राइस डिफरेंस उसमें बहुत ही ज़्यादा कम होता है तो उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। तो जब तक मम्मी सब्जियों के साथ बिजी थी, इस टाइम पे मैं और इनाया इस तरह से टाइम पास कर रहे थे। देखो ये क्या है, ये छोड़ना है। और ये क्या है? और इस खाली टाइम में मैंने एक और खर्चा भी कर दिया और एक बेडशीट ले ली जो आपको घर जाके दिखाऊंगी। तो बिलिंग हो गया है और इसका हिसाब किताब हम घर जाके करते हैं, सो लेट्स गो। सो हेलो हेलो, वी आर बैक होम। हम घर वापस आ गए अपना सारा सामान लेके, और अभी मैं आपको बताती हूँ कि हम वहाँ से क्या क्या लेकर आए और कितना खर्चा हुआ। कुछ चीज़ें ऐसी है जो रेगुलर ग्रोसरी में नहीं आती लेकिन पसंद आ गई इसलिए लेनी पड़ी, लेने को मजबूर हो गई, जैसे कि ये बेडशीट। और मुझे बेडशीट का भी शौक पता नहीं क्यों जागा है, तो मैं हर महीना बेडशीट लेके आ जाती हूँ कहीं से भी अगर अच्छी दिखती है। तो ये बेडशीट बजट वाली थी, 500 रुपये में मिल रही थी तो मैंने ये ले ली। तो ये हम ग्रोसरीज में नहीं गिनेंगे और इसको 500 रुपये हम माइनस कर देंगे अपने ग्रोसरी के बिल से। अभी अगर आपको ये टोटल बिल बताऊँ तो ये बिल है मेरा 4175 रुपीज़ का है, और उसमें से ये मैंने बेडशीट माइनस कर दी तो हमारा कितना होगा, सॉरी मेरा मैथ्स थोड़ा नहीं बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। तो 4175 माइनस 500 इज इक्वल टू 3675। तो मेरा जो टोटल ग्रोसरी का बिल है वो है 3675 रुपीज़। और इसमें कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जो अभी भी मिसिंग है जो हम रेगुलरली हर हफ्ते लेते हैं, जैसे कि दूध, दही और कुछ वेजिटेबल्स जो हर हफ्ते हमें चाहिए होते हैं, वो चीज़ें अभी इसमें काउंट नहीं हुई है। लेकिन महीने का जो रेगुलर सामान होता है वो मैं लेके, जैसे चाय पत्ती एंड कॉर्नफ्लेक्स एंड ऑल जो मेरी इनाया खाती है सुबह ब्रेकफास्ट में, उस तरह की चीज़ें सब है, टूथपेस्ट ये सब। तो अभी मैं आपको एक एक करके दिखाती हूँ कि कौन सी चीज़ कितने में पड़ी और मेरा जो 3675 रुपीज़ का जो बिल है उसमें मुझे क्या क्या मिला। सो चलिए सबसे पहले अगर बात करूँ ये चोकोस की, तो इसकी जो MRP है वो है 148 रुपीज़, लेकिन मुझे यहाँ पे मिले हैं 139 रुपीज़ में, मतलब थोड़ा सा डिस्काउंट मिल गया है इसके ऊपर। उसके बाद फिर बात करें चाय की, तो मैंने चाय ली है टाटा टी प्रीमियम, और उसमें इसकी MRP जो है वो है 310 रुपये, लेकिन यहाँ पे मुझे मिली है कितने की, 225 रुपये की। तो मतलब 310 की चीज़ मुझे मिली है 225 रुपये की। और फिर है ये पत्ता गोभी, पत्ता गोभी का प्राइस है कितना, 15 रुपये का पत्ता गोभी का एक पीस मुझे मिला है। इसके सिवा फिर ये है कैप्सिकम, कैप्सिकम जो है वो आधा किलो भी नहीं है,
और इसकी प्राइस है 65 रुपीस। उसके सिवा ऑरेंजेस है, ऑरेंजेस जो है वो भी 1 किलो नहीं है लेकिन 69 रुपीस का आए हैं। उसके सिवा फिर ये पास्ता 32 रुपीस का है MRP जो है वो, और मुझे जो प्राइस मिली है वो है 30 रुपीज़ की। उसके सिवा इडली डोसा का बैटर, मैं मुझे डोसा के लिए ये बैटर अच्छा लगता है क्योंकि इससे डोसा बहुत ही अच्छा क्रिस्पी बनता है, मुझे क्रिस्पी डोसा ज़्यादा पसंद है, तो ये मुझे क्वालिटी वाइज अच्छा लग रहा है। तो ये डोसा का पैकेट है 100 रुपये इसकी MRP है लेकिन 45 रुपीज़। ओ माई गॉड, बहुत ज़्यादा सस्ता है। ओके, तो ये मुझे मिला है 45 रुपीज़ का। फिर हम बात करेंगे ये क्या है, टोमेटो। टोमेटोज का जो प्राइस है वो है, आधा किलो नहीं है, 462 ग्राम्स है और ये है मुझे 25 रुपये के मुझे पड़े। उसके बाद ये है सनफ्लावर का तेल और इसकी जो प्राइस थी वो 130 रुपये MRP थी लेकिन 110 रुपये में मुझे पड़ा, थोड़ा सा डिस्काउंट मिला के। फिर ये है इडली राइस और इडली राइस जो है वो 1 किलो से थोड़े ज़्यादा है और इनकी प्राइस है 47 रुपीज़, सॉरी टोटल प्राइस जो है वो है 54 रुपीज़। ये क्या है, पोटैटोस, ये आलू है वो भी आधा किलो भी नहीं है और इनकी पर केजी प्राइस है 36 रुपीज़ और मुझे मिले हैं 19 रुपीज़ समथिंग में। फिर प्याज, प्याज की जो प्राइस है वो है 29 रुपीज़ पर केजी और मेरी प्याज जो है वो पूरी 1 किलो नहीं है तो 25 रुपीज़ की मिली है मुझे। उसके बाद ये है बेबी पोटैटोस जो मुझे भूंगला पटेटा, मैंने भी आपको रेसिपी दिखाई थी शॉर्ट्स पे, अगर नहीं देखी तो ये वीडियो देख के शॉर्ट्स देख लेना। वो बेबी पोटैटोस जिसका मैं यूज़ करती हूँ, गुजरातियाँ बोलते हैं भूंगला बटेटा, वो रेसिपी बनाने के लिए, तो ये उसके लिए क्योंकि मुझे वो बहुत ज़्यादा पसंद है, अच्छा स्पाइसी स्पाइसी खाने में मज़ा आता है। तो ये बेबी पोटैटोस की प्राइस है 39 रुपीज़ पर केजी लेकिन मैंने आधा किलो लिया है तो मुझे 17 रुपीज़ समथिंग में मुझे मिला है। फिर है ये धनिया पत्ता, धनिया पत्ता का प्राइस क्या है, ये है 4 रुपये का, 4 रुपये का धनिया पत्ता है। फिर ये है ग्रेप्स, ग्रेप्स की जो प्राइस है वो 75 रुपीज़ पर केजी है लेकिन ग्रेप्स में ना थोड़ा डाउट रहता है कि अच्छी होगी मीठी होगी या नहीं, तो मैंने छोटा पैकेट लिया तो ये मुझे पैकेट पड़ा 29 रुपीज़ 70 पैसे का। फिर बादाम, हेल्दी बादाम आपका दिमाग को अच्छा करने के लिए, ये बादाम जो है वो बहुत ही ज़्यादा डिस्काउंटेड प्राइस पे थी तो ये बादाम की क्या प्राइस थी, एक्चुअल में इसकी MRP जो है वो है 549 रुपीज़ लेकिन हाँ ये रहा 339 रुपीज़ में मुझे मिली 500 ग्राम बादाम जिसकी एक्चुअल प्राइस है 549, तो मुझे बहुत बड़ा डिस्काउंट मिल गया। बादाम हम लोग जनरली सुबह रात को भिगा के सुबह खाते हैं बिना कुछ नाश्ता किए, बोलते हैं हेल्थ के लिए अच्छी होती है, दिमाग के लिए अच्छी होती है, पता नहीं सीरियसली अच्छी है या नहीं लेकिन अच्छी भी लगती है खाने में, तो ये बादाम ज़रूरी थी क्योंकि अभी ख़त्म हो गई थी तो ये भी हमने ले लिया। उसके बाद फिर इनाया को ये जूस बहुत ज़्यादा पसंद है, ये जूस जो है वो 128 रुपीज़ का होता है लेकिन अभी 20 रुपये डिस्काउंट था तो 108 रुपीज़ में मिला, इसके 2 पैकेट हमने लिए। उसके बाद फिर ये अदरक, अदरक का जो प्राइस है वो है 150 रुपये किलो लेकिन मेरा जो है वो ऑलमोस्ट 200 ग्राम्स तक का है तो 28 रुपीज़ 80 पैसे में मुझे मिला ये। यह ब्लैक पेपर, ब्लैक पेपर का जो प्राइस है वो है 150 रुपीज़ 400 ग्राम्स लेकिन इसमें भी कुछ डिस्काउंट था, जो ब्लैक पेपर का जो प्राइस था वो था 150 रुपीज़ 400 ग्राम्स लेकिन मुझे डिस्काउंट के साथ ही मिला 109 रुपीज़ में, तो इसमें भी बहुत बड़ा डिस्काउंट मुझे मिल गया। फिर ये है स्कॉच ब्राइट अपने बर्तन धोने के लिए, बर्तन धोने के लिए इसका जो प्राइस है 65 रुपीज़, इसका प्राइस है 65 रुपीज़, दो बार दे दिया है, वाव हम गलती करके आए, इसका प्राइस इन्होंने 2 बार डाला है, 2 बार पैसे भर के आए हम लोग, तो मुझे ये 65 का पड़ा डबल। फिर मेरे बालों को थोड़ा उलझे हुए बालों को थोड़ा सा सुलझाने के लिए लिवॉन का तेल,
70 रुपीज़ है, लेकिन इसका जो प्राइस है 49 रुपीज़ में मिला, इसमें भी डिस्काउंट है। इनाया ये सुबह कभी कभी नाश्ते में ये क्या बोलते हैं चोको स्प्रेड लगाती है ब्रेड के ऊपर और उसको खाना पसंद करती है। तो ये है 150 रुपीज़ की MRP और लेकिन इसका प्राइस हमें कितना मिला, 112, तो इसमें भी डिस्काउंट। तो बहुत चीज़ें हैं जो डिस्काउंटेड प्राइस पे है, तो यही फ़ायदा है, इसीलिए मैं जाती हूँ रिलायंस में कि कम पैसे में मिल जाता है। ये पापड़ मेरे बहुत बड़ी वीकनेस बन गए क्योंकि इसमें पता नहीं क्या वो लोग ड्रग्स मिलाते हैं, मैं इसे खाने से खुद को रोक नहीं पाती, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। ये है और एक ये आलू का वेरिएंट है और इनकी MRP जो है वो है कितने की है, 32 रुपीज़ MRP है इसकी, 34 रुपीज़ इसकी है, लेकिन देखते हैं कितने का मिला है। ये हमें मिले हैं 57 के दो आलू वाले पापड़ और 60 रुपीज़ के दो साबूदाना वाले पापड़, तो इसमें भी थोड़ा बहुत डिस्काउंट दे दिया है, लेकिन ये पापड़ बहुत टेस्टी होते हैं, स्पेशली जब हम गुजराती खाना कुछ खाते हैं तो उसके साथ ये बहुत ही ज़्यादा यम्मी लगते हैं। अभी ये मिर्ची का पाउडर, और मिर्ची पाउडर के लिए है ये 175 रुपीज़ का 500 ग्राम आशीर्वाद चिली पाउडर है। ये कुछ ऑफ़र में चल रहा था तो ज़बरदस्ती में पकड़ा दिया, पता नहीं कैसा होगा, कभी इससे पहले आज तक कभी आशीर्वाद का चिली पाउडर टेस्ट नहीं किया, लेकिन इस बार देखेंगे अगर डिस्काउंटेड प्राइस पे है अच्छा मिला है या नहीं मिला है, तो चेक करेंगे। उसके सिवा ब्रेकफास्ट के लिए सूजी, कई बार सूजी रोल्स, सूजी का टोस्ट, वो सब हम बनाते रहते हैं नाश्ते में, सुबह के नाश्ते में। तो सूजी हमारे घर का मेन इंग्रेडिएंट है, कई बार ज़रूरत पड़ती है सूजी का हलवा, इनाया को बहुत पसंद है। तो ये सूजी है कितनी है, 53 रुपीज़ की है 500 ग्राम्स। दो पैकेट दही के भी आ गए, दही का जो प्राइस है वो है 26 रुपीज़ का एक पैकेट, तो ये हो गया 52 रुपीज़ समथिंग। चीज़ भी बहुत ज़रूरी है मेरे लिए, मैं कुछ कुछ बनाती रहती हूँ पास्ता, तो उसमें मुझे चीज़ चाहिए, तो चीज़ भी मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, तो वो मैंने ले लिया और चीज़ का जो प्राइस है वो है 135 रुपीज़। अपने दांत साफ करने के लिए टूथपेस्ट का जो प्राइस है वो है 130 रुपीज़, लेकिन मुझे डिस्काउंट पर मिला वो है 122 रुपीज़ में, तो कुछ 8 रुपीज़ का डिस्काउंट मिला। कपड़े धोने के लिए एरियल, ये इसकी MRP जो है वो है 190 रुपीज़, और ये है कितना है 1 लीटर एरियल 190 रुपीज़ का। और लाइक पूजा, ये है हैंड वॉश, ये है बाय वन गेट वन प्रोडक्ट है ये, और इसकी प्राइस कहाँ लिखी है, 199 रुपीज़ के दो लाइफ बॉय हैंड वॉश, तो ये भी ज़रूरी चीज़ ही है। ये डायपर एक्चुअली इनाया को अभी भी रात को ज़रूरत पड़ जाती है डायपर की, और इसकी जो MRP है वो है 800 रुपये, लेकिन मुझे पड़ा ये 500 रुपये का, तो मुझे 300 रुपीज़ का डिस्काउंट इस पर मिल गया। और अभी थोड़ी बहुत एक्स्ट्रा तो नहीं, ये है कंडीशनर, शैम्पू अभी मेरे पास था तो मैंने शैम्पू नहीं लिया, तो कंडीशनर का छोटा सा बोतल ले लिया, ये है 99 रुपीज़ का। और एक ये मतलब कहीं पे अगर ट्रैवल कर रहे हो तो इस तरह का एक बॉडी स्प्लैश हो तो अच्छा लगता है फ्रेशनेस के लिए, तो ये इसकी प्राइस थी 89 रुपीज़। एक ये लिया, ये थोड़ा एक्स्ट्राज में हम गिनेंगे जो ये रेगुलर खर्चे नहीं होते, लेकिन थोड़ा सा एक्स्ट्रा। और ये चॉकलेट्स हमारे घर की मेहमान होती है हर महीने के लिए, मतलब एक महीने में इतनी चॉकलेट्स हमारे घर में आती है, जो कभी कभी अगर इनाया रो रही है उसको कुछ मनाना है, उसको हमेशा सरप्राइज़ के लिए बहुत एक्साइटेड रहती है और एक्सपेक्ट करती है कि मैं उसको सरप्राइज़ दूँ, तो जब भी वो ऐसा बोलती है कि मुझे सरप्राइज़ चाहिए तो मैं उसको चॉकलेट देती हूँ और वो खुश हो जाती है। तो ये चॉकलेट्स मैं हमेशा घर में रखती हूँ, तो 4-5 चॉकलेट पड़ी रहती है, तो ये 50 रुपये की एक चॉकलेट, तो ये 3 हुई 150 की, और एक हमारे लिए ये हम मिल बांट के खाएंगे। ये वाली कितने की थी, 90 रुपीज़ की, ये वाली चॉकलेट है 90 रुपीज़ की, जो हम तीनों मिल के खाएँगे।
दैट्स इट, ये हमारा सामान था, मतलब ये सारा सामान है मेरा जो अभी 3700 रुपीज़ समथिंग में आया है। और बस यही है, आपके यहाँ कितना होता है बताइएगा कि आपके यहाँ भी यही प्राइस है या आपको सस्ता पड़ता है। अगर आप इतनी चीज़ें लेने जाओ तो आपको कितने का पड़ता है वो भी मुझे बताइएगा कमेंट करके। और मोस्टली मेरे लिए सारी चीज़ें जो थी वो घर की ही थी, कुछ कुछ चीज़ें ये जो हमने माइनस कर दी कि वो रेगुलर खर्चे में नहीं आनी चाहिए, जैसे कि ये चॉकलेट्स और तो क्या बेडशीट, बस दैट्स इट। बाकी तो सब चीज़ें एज अ गर्ल एज अ लेडी हमें ज़रूरी होती है, कुछ कुछ चीज़ें। हाँ, ये एक बॉडी स्प्लैश जो है वो एक अनवांटेड चीज़ है जो हम अवॉइड कर सकते थे उसका खर्चा, लेकिन ले लिया। लेकिन बाकी सब चीज़ें खाने पीने की, फ्रूट्स वेजिटेबल्स वो सब चीज़ें थी वो तो ज़रूरी थी तो वो तो लेनी ही थी। बस दैट्स इट, यही खर्चा था मेरा। और ये सिर्फ महीने का रेगुलर खर्चा है, लेकिन अभी वीकली बेसिस पे मुझे ऑलमोस्ट 2000 रुपये जितने खर्च हो जाते हैं, जिसमें आ जाता है दूध, दही और पनीर वनीर अगर कभी कुछ मंगाते हैं इस तरह से, फिर बटर भी अभी है तो मैंने बटर अवॉइड किया, नहीं लिया। और बाकी जो रेगुलर हम लोग चावल खाते हैं, कभी अगर पुलाव के लिए चाहिए, पुलाव उलाव बनाना है, बिरयानी बनानी है तो उसके लिए बासमती राइस चाहिए, तो वो भी अभी मेरे पास थे तो वो भी मैंने नहीं लिए। दाल अभी बाकी थी, मतलब दाल भी पड़ी हुई है तो दाल भी हमने नहीं ली। दाल चना वो सब चीज़ें अभी स्टॉक में है तो वो सब चीज़ें नहीं ली है। तेल का भी बड़ा पैकेट नहीं लिया है तो उसके भी पैसे बच गए। तो अगर ये सब चीज़ें आती तो अभी मेरा बिल कहाँ जाता, शायद 5000 के ऊपर, पता नहीं। तो बस ये सब चीज़ें थी और ये सब हम लेके आए। तो आई होप ये आपको हेल्प करेगा ये बताने में कि बेंगलोर में खर्चा कितना हो रहा है मुझे। और आप ही डिसाइड कर लीजिए कि कितना उसमें से ज़रूरी था और कितना ज़रूरी नहीं था। और दैट्स इट। तो एनीवेज आज की वीडियो में तो बस इतना ही। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा और इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। और अगर आप बैंगलोर आने को प्लान कर रहे हैं तो आपको एक आइडिया देगा कि आप अगर बैंगलोर मूव कर रहे हो तो आपके खर्चे कितने होंगे पर मंथ और पर वीक, पर महीना, जो भी है। तो बस दैट्स इट, आज के वीडियो में इतना ही। मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए और मेरे वीडियोज़ देखते रहिए। बाय बाय।